हेलो भाई, जब सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो दो यूनिवर्सिटी के छात्र सबसे ज़्यादा इस समय कमेंट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशान भी वो छात्र हैं। एक तो आगरा यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र और दूसरे अवध यूनिवर्सिटी के छात्र। इन दो छात्र जो भी कॉलेज के छात्र हैं, इन दो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि सर हमारे जो कॉलेज हैं, हमारे यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर परीक्षा को लेकर के कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे में मेरी क्या राय है, मुझे क्या अपडेट प्राप्त हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और हम अवध यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ आपके शंकाओं का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी इन दो यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आपकी कोई तीसरी यूनिवर्सिटी है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी है और जिसका कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, जिससे मैं आपकी यूनिवर्सिटी से भी कुछ ना कुछ अपडेट लेने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अभी भी कोई एग्जाम के बारे में पता नहीं है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें अगर उसका कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं तो मुझे भी अभी फिलहाल इतना नहीं पता किस यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम जारी हुआ है, किस यूनिवर्सिटी का नहीं और किस यूनिवर्सिटी से कौन सा अपडेट है। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे तो मैं उस यूनिवर्सिटी से जरूर बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या है और क्या क्या प्रोसेस यहां पर चल रहा है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और हां, एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग यूपी ट्रिपलसी पेट की तैयारी करते हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है परीक्षा वीर चैनल की, ठीक है, जो कि टॉपर्स इंड का चैनल है। उस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है तैयारी कराई जाती है जो भी एग्जाम है। डेली शाम को 7 बजे हम लोग वहां पर लाइव होते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते हैं। चले गए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बारे में, क्योंकि यहां के जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन जो है इनका वो है एग्जाम पैटर्न को लेकर के, कि आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा या फिर आपका एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आप सभी को हम बता दें ये कंफ्यूजन आप थोड़ा सा दूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों लगभग 2-3 महीने पहले ही यहां पर बता दिया गया था कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, बहुत पहले बता दिया गया था, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसी नोटिस नहीं आई है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो आप सभी का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, जब भी पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, समझ में आ गई बात। चलिए, क्योंकि अब इन्होंने बता दिया और आपके जो भी कॉलेज है वहां पर ऑब्जेक्टिव पर ही पढ़ाई भी कराई जा रही होगी आपके कॉलेज में। तो यहां पर अगर हम पेपर की बात करें, जो मुझे अपडेट प्राप्त हुआ है वो यही प्राप्त हुआ है कि आपका जो पेपर है वो अगस्त के महीने में किसी भी कीमत पर नहीं होगा, आगरा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं। हां, यह बात जरूर मुझे पता लगी है कि अगस्त में आपका कार्यक्रम जारी हो सकता है। यही चीज आगरा यूनिवर्सिटी के लिए भी लागू होती है और यही चीज अवध यूनिवर्सिटी के लिए लागू होती है। अवध यूनिवर्सिटी में तो मैंने खुद बात किया है, मैं अभी बताता हूं अवध यूनिवर्सिटी में क्या अपडेट आई है। तो फिलहाल यहां पर यह बताया गया कि अगस्त में आपका कार्यक्रम जारी हो सकता है और सितंबर में आपका जो है पेपर होगा। आपने देखा होगी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनका पेपर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब उन छात्रों को सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट का इंतजार है। ठीक है, लेकिन अभी आगरा यूनिवर्सिटी और राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी अभी पेपर के बारे में कुछ क्लियर नहीं कर रही है। लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आज जो है यहां पर 13 तारीख हो चुकी है, इसी अगस्त के महीने में आपका परीक्षा कार्यक्रम जारी हो जाएगा और पेपर आपका सितंबर माह में जो है होने की सबसे ज्यादा संभावना है, अगर बीच में कोई स्थिति खराब नहीं हो जाती है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटियों का कोई भरोसा यहां पर है नहीं। चलिए वहीं पर आ जाते हैं अवध यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अवध यूनिवर्सिटी में लगातार मेरी बात जो है चल रही है, ठीक है, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी में जाता भी रहता हूं, विजिट भी करता रहता हूं, लेकिन बस वही चीज है ना कि अपडेट बिल्कुल क्लियर नहीं मिल पाती है। और आपको पता है इस चैनल पर कोई चीज जब बिल्कुल एक्यूरेट होती है तभी हम वीडियो बनाते हैं। तो यहां पर अवध यूनिवर्सिटी में कल भी मैंने बात किया था, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है चीजें मैंने बताई भी थी कल के शाम की वीडियो में अवध यूनिवर्सिटी के बारे में। मेरी आज भी बात हुई है तो वहां पर जो चीजें क्लियर हो रही है, उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में आपका जो है डेट शीट जारी कर दिया जाएगा और अगस्त का तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो जाएगा 15 अगस्त के बाद से। ठीक है, ऐसे में ये बता जो उन्होंने मुझे बताया मैं उस बारे में आपको बता रहा हूं, लेकिन अब इन ये कब जारी करते हैं कब नहीं जारी करते हैं वो तो बाद की बात है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल श्योर है, ठीक है, जो लग भी रहा है और होना भी चाहिए, अगस्त के महीने में आपकी डेट शीट जारी हो जाएगी और सितंबर में आपका भी जो है पेपर हो जाएगा। तो आप लोग जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसको अब तेजी प्रदान कर दीजिए, क्योंकि अब आपका जो है टाइम पर हो जाएगा, सितंबर के माह में पेपर यहां पर हो जाएगा। उम्मीद तो यही थी कि अगस्त में करवा लेंगे, लेकिन जब अगस्त में हमने बात किया, लगभग 2 या 3 अगस्त को मैंने जो है यूनिवर्सिटी विजिट किया, तो वहां पर यह बताया गया कि अभी जो है आपकी अटेंडेंस नहीं आई है। अब लगभग अटेंडेंस का काम कंप्लीट हो चुका है, अटेंडेंस वगैरह जो है वहां पर पहुंच चुकी है, अब पेपर पर काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि आपका जो पेपर है वो
सितंबर में ही होगा, अगस्त में नहीं होगा। और मैंने कल की वीडियो में भी यही चीज बताया था कि जिन भी यूनिवर्सिटी में पेपर बचा है, अवध और आगरा ही नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर पेपर आपका बचा है जिसकी डेट शीट अभी नहीं आई है, उन सभी पेपर मान के चलिए आपका कि अब सितंबर के माह में ही होगा। पिछली बार अवध यूनिवर्सिटी ने पेपर नवंबर में करवाया था, 26, 27, 28 से साथ इनका जो है स्टार्ट था, बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर को हुआ था, और बाकी बाद में पेपर हुए थे जो उनका सब्जेक्टिव पेपर था। तो कुल मिलाकर यही है कि पिछली बार नवंबर में हुआ था तो अब की बार नवंबर तो नहीं होगा, हाँ लेकिन सितंबर तक इनका पेपर जो है खींचेगा। अवध यूनिवर्सिटी वाले परेशान ना होइए, पेपर भले ही अवध यूनिवर्सिटी लेट ले लेकिन रिजल्ट इनका बहुत समय से आता है, ये चीज आप मान लीजिएगा। जिस दिन भी आपका पेपर खत्म होगा आप मान के चलिए कि उसके 10 से 11 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर तो हर हालत में इनका रिजल्ट जो है आ जाना है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए क्योंकि अब पेपर होगा। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अपना टेट सीटेट इन सभी की तैयारी आप करिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। फिलहाल तो अभी यूनिवर्सिटी का ही आप बुक वगैरह पढ़िए, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा समय बचे तो आप लोग यूपी टेट सीटेट पर थोड़ा सा फोकस करिए। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। बाकी जो भी अपडेट मुझे मिलेगी, जिस दिन मुझे एक्यूरेट डेट पता लगेगी किस दिन आपकी डेट शीट आएगी, मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो आप सभी लोगों के बार बार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर आप इस पर कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे, अवध हो गया, आगरा हो गया, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आप बस यही चीज है इसीलिए नहीं बनाता हूं कि इसमें एग्जैक्ट जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जानकारी यही है कि अगस्त में आपकी जो है डेट शीट आ जाएगी और सितंबर के माह में आपका पेपर हो जाएगा। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।